नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। RO/RO एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं। पिछले जितने भी वीडियोस हो गए हैं अब तक भी अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। देखिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल वहां पे मिल जाएंगी, उस पे कॉन्टैक्ट करिए, पूरी आपको सहायता की जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए कई सारे वीडियोस में हमने बात की है कि सेंसस अभी नया हुआ नहीं है, पुराने डेटा ही हमको पढ़ने हैं 2011 वाले, तो उसी के संबंध में देखिए भारत में अनुसूचित जातियों यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट की बात हो रही है, SC पॉपुलेशन की, इनकी कुल जनसंख्या इस मतलब हमारे 2011 के सेंसस के अनुसार कितनी थी, तो ये आंकड़ा रफली जो था 20.13 करोड़ यानी कि सी विकल्प, जिसमें से कुल लगभग 10.35 करोड़ पुरुष और बाकी करीब 9.8 जो है महिलाएं थी करोड़ में। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में सबसे पहली बार किया गया है, तो फ्रीडम स्ट्रगल में भी आपने देखा होगा कि जो हमारे हरिजन या कह लीजिए इस तरीके की पॉपुलेशन थी जिनको काफ़ी दमन किया गया फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में, इंडिपेंडेंस के पहले, तो उनके संबंध में गांधी जी और तमाम तरीके के जो महापुरुष हुए, फ्रीडम फाइटर्स हुए, उन्होंने काफ़ी सारे प्रयास किए, तो उसी क्रम में इस शब्द का है ना जन अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग पहली बार किस अधिनियम में किया गया। ब्रिटिश के द्वारा जो इतने सारे अधिनियम बनाए गए तो उसमें जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बना उसमें पहली बार इसके बारे में उल्लेख किया गया। आगे देखें संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है, तो देखिए मेंशन किया गया है इनको हमारे संविधान जो संविधान का भाग जो 16 है, स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लासेस करके, उसमें आर्टिकल 330 से आप लेकर के 342 तक पढ़ते हैं ना, तो 341 में आप जो है इसकी वर्डिंग्स देखेंगे, ये संबंधित हो जाएगा इस प्रश्न में विकल्प ए। आगे देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये बड़ा ध्यान से देखा करिए, मैं कई बार आपको जो है जोर देके बोलता हूँ क्योंकि एग्जाम्स में आप क्वेश्चन इससे बहुत गलत करके आते हैं, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के अस्तित्व के बारे में वर्ष 1824 में जोसेफ फोरियर के द्वारा बताया गया सबसे पहली बार, तो ये बिल्कुल ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप जो पढ़ते हैं जिसमें बेसिक उसका इफेक्ट क्या है कि प्राकृतिक रूप से होने वाली एक घटना है जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो जाता है ना, तो इसके इफेक्ट के बारे में पहली बार ये इनका नाम देख लीजिएगा जोसेफ फोरियर, ठीक। दूसरा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा कि जो हम मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ते हैं कई बार ये सूची दे दी जाती है कि इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें चुनिए, तो देखिए वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प होता है ना, CO2, इसके अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये गलत है, ठीक है, ऑक्सीजन में नहीं होता है। CFCs जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, तो ये मुख्य रूप से आपके ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। अब देखें कि सेंसस 2011 के अनुसार फिर से पूछा जा रहा है आपसे कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का जो है कितने प्रतिशत था, तो अभी हमने आंकड़े कुछ देखे थे स्टार्टिंग में इस वीडियो के, तो अब ये रेशियो हम कंपेयर करेंगे भारत की कुल जनसंख्या से, तो 16.6% जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी। आगे देखिए अब सेंसस के हिसाब से फिर से क्वेश्चन है 2011 के कि जैन जनसंख्या वाला शीर्ष राज्य जो है कौन सा है, तो देखिए जनसंख्या में जितने भी आप धार्मिक समूहों को देखते हैं क्रम हमारा कुछ इस प्रकार था 2011 की जनसंख्या में, सबसे ज़्यादा हिंदू थे, फिर मुस्लिम, फिर जो है ईसाई थे, क्रिश्चियंस है ना, फिर जो है सिख, फिर जो है आपका ये बौद्ध और लास्ट में जैन, ठीक। तो अब जैन जो है इनकी सर्वाधिक संख्या थी, लगभग जितने भी जैन की कुल जनसंख्या है उसमें से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में थी, फिर जो है दिल्ली में, फिर गुजरात में और उसके बाद राजस्थान में, कुछ इस प्रकार से क्रम था, तो बी विकल्प को चुन लेंगे।
देखिए कौन सा कथन सही है, यहाँ पे हम इकोनॉमिक प्लानिंग के हिसाब से देख रहे हैं। रोलिंग नियोजन का मुख्य लाभ यह है कि ये तन्यक प्रकृति का होता है, यानी कि टेंसाइल होता है इंग्लिश में कह लीजिए। इसको सीधी भाषा में अगर समझें तो आपको याद होना चाहिए कि जो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान हमारा चल रहा था, तो उसको जो है उसके स्थान पे जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई 1978-79-80 के टाइम पीरियड में, तो वहाँ पे रोलिंग प्लान जो है एक एक ईयर के लाए गए थे। ठीक है, तो उसका मुख्य रूप से क्या होता है कि ये एक साल के लिए बनाए जाते हैं। जो यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है, रोलिंग नियोजन का अर्थ यह है कि हर साल योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। तो एक एक साल के हिसाब से प्लान बनते थे, उसका असेसमेंट के बेसिस पे अगले साल की योजना बनती थी। तो ये जो है हमारे रोलिंग प्लान के जो है कुछ कह लीजिए फीचर्स हैं। और तन्यक प्रकृति का यही है कि फ्लेक्सिबल होते हैं, चूंकि जो फाइव ईयर प्लान होता है तो उसमें क्या है कि पाँच साल के हिसाब से डेटा जो है उसको वो लेके चलना पड़ता है प्लानिंग। बट यहाँ पे है कि जो आप पिछले असेसमेंट ईयर के बेसिस पे आप अगले की प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोनों ठीक है, इसको डिटेल में थोड़ा चाहे तो देख लीजिए। प्लानिंग जो इंडिया में फाइव ईयर प्लान आप पढ़ते हैं उसके संबंध में ये चीज़ें थोड़ी ज़रूरी हैं। अब अभी हमने बात की कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी हिंदुओं की है, ठीक है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो अब उस क्रम में हिंदू जनसंख्या वाले तीन राज्यों में जो टॉप के तीन राज्य हैं कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए स्टार्टिंग के जो तीन थे, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदूज की थी हिमाचल प्रदेश में जो है अराउंड 95% से ज़्यादा की, ठीक। उसके बाद ओडिशा में थी अराउंड जो है ये 93% से प्लस थी। छत्तीसगढ़ में भी थी जो है 93% से ज़्यादा ही। उत्तर प्रदेश जो है इस सूची में नहीं है, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश था, ठीक है, वहाँ पर लगभग 90% के आसपास है। उसके बाद पाँचवें पर गुजरात रहा। तो ये कुछ क्रम है, डी विकल्प को हम और चूज़ करेंगे इसमें। अब देखें कि मुस्लिम जनसंख्या वाले शीर्ष के जो तीन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें ये जो चार विकल्प आपको यहाँ मिल रहे हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो सर्वाधिक जो अब देखिए किसी स्टेट या यूटी में मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो थी लक्षद्वीप में, यहाँ पे थी 96% से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है इनकी अभी भी, ये मुस्लिम मतलब मुस्लिम ग्रुप जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसके बाद 69% के आसपास जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन आकी गई थी और असम की थी 34% के आसपास। पंजाब इसमें नहीं है, पंजाब को और चूज़ करेंगे। फिर से दो कथन है, कौन सा सही है देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में कोई अनुसूचित जाति नहीं है, ठीक। तो ये शेड्यूल्ड कास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये दो के अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है लक्षद्वीप इनमें जो है रिकॉर्डेड नहीं की गई कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट 2011 के सेंसस में। ये कथन हमारा बिल्कुल जो है ठीक है। अगला है पुडुचेरी चंडीगढ़ में अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो ये हमारा कथन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि जब 2011 के आंकड़ों में पुडुचेरी जो हो गया, चंडीगढ़, इसके अलावा ये आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, इन सब में जो है ये शेड्यूल ट्राइब जो है इनकी पॉपुलेशन एकदम जो है रिकॉर्ड नहीं की गई, मतलब यहाँ पे ऐसी पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है। तो सही सिर्फ पहला है। आगे देखें कौन सा कथन गलत है, अब ये गलत हमको देखना है। दो स्टेटमेंट है, पहला है मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र जो है सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो जाहिर सी बात है मौसम खराब होता है, सबसे ज़्यादा फर्क जो है कृषि को ही पड़ता है, फसलें खराब हो जाती हैं, है ना, आंधी तूफान आता है, बारिश ज़्यादा हो जाती है, ठीक। तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन के मापन हेतु, ठीक है, हिम तत्व, ये टर्म यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, अभी बताता हूँ क्या होता है। किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है, तो हिम तत्व या फिर आइस कोर कहते हैं इसे, ठीक है। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर आप वर्ल्ड का मैप देखिए, उसमें ग्रीनलैंड आइलैंड को देखिए, ठीक है, और ये आर्कटिक का रीजन देख लीजिए या अंटार्कटिका पोलर जो रीजन है इनको देख लीजिए, तो क्या है यहाँ पे बर्फ जो है, बर्फ जमी है हमेशा से, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ऐसे एक बेलनाकार जो है आइस ये छेद करके इसमें से बेलनाकार नमूना निकालते हैं, ठीक है, काफ़ी मतलब कई सारी लेयर्स जिससे निकल करके आती हैं, फिर उस पर अध्ययन किया जाता है। और इस अध्ययन का अर्थ करने का अर्थ ये होता है कि जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस एरिया में मौसम में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक, कि पहले कौन सी गैसेस उस एरिया में पाई जाती थी, फिर धीरे धीरे अलग अलग लेयर ऐसे निकलेगा ना उसमें, क्योंकि बर्फ ऐसे जमती चली जाती है ऊपर ऊपर, तो वहाँ से इस चीज़ की जो ये भी मतलब सारी चीज़ें इससे संबंधित हैं, है ना, मौसम से, जलवायु परिवर्तन से, उसको अध्ययन करने के लिए आइस कोर यानी हिम तत्व जो है इसको छेद करके निकाला जाता है, जिसका आकार जो है बेलनाकार नमूना कुछ है। तो ये डिटेल इससे ही संबंधित है, इसको थोड़ा ध्यान रखें, इसमें हमारे गलत जो है कुछ भी नहीं है, डी विकल्प को चुनेंगे। इसमें फिर से देखिए सही नहीं है कौन सा कथन। तो वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसेज जितनी अभी हमने ऊपर भी बताई थी आपको, तो उसमें सर्वाधिक सांद्रण जो है मीथेन का है, मीथेन नहीं जो है CO2 का होता है, ठीक। तो ये हमारा गलत हो जाएगा।
दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्मी ईंधन से होता है, ठीक है। तो जीवाश्मी ईंधन के रूप में आप जैसे ये ले लीजिए ऑयल, है ना, गैसेस ले लीजिए, या फिर कोल कोयला ले लीजिए, है ना, इनके दहन से इसका उत्सर्जन मुख्य रूप से होता है, तो ये कथन ठीक है। पहला जो है CO2 उसमें भी होगा, तो पहले को हम गलत करेंगे। दो स्टेटमेंट फिर से है, कौन सा सही है देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव अगर नहीं होता तो आज पृथ्वी की सतह का औसत तापमान -18 डिग्री यानी कि शून्य से नीचे रहता, तो ये ठीक है। ग्लोबल सॉरी माफ कीजिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस का जो हमारा इफेक्ट है ये हमारे टेम्परेचर को कहीं ना कहीं मेंटेन करने की दिशा में भी है, जो अभी एवरेज टेम्परेचर हमारा एक लिविंग कंडीशन के रूप में अवेलेबल है। तो थोड़ा इसको ग्रीन हाउस गैस को डिटेल में पढ़िए, वहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अभी दूसरा स्टेटमेंट अभी आपको जस्ट ऊपर ही बताया है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसेस में सबसे अधिक सांद्रण CO2 का है, ठीक, तो दोनों यहाँ पे ठीक हैं। आगे देखें कौन सा कथन सही नहीं है फिर से। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के संबंध में पहला स्टेटमेंट हम देखेंगे कि गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में 6 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है, तो इतनी तो नहीं हुई है, इतना होगा तो उबलने लगेंगे हम लोग, 0.6 डिग्री जो है कई जगह आपको ये आंकड़े मिलेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा, इतने डिग्री की हमें जो है वृद्धि देखने को मिली है लगभग एक शताब्दी में, ठीक, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही ऐसा माना जाता है। अगला है कि पराबैंगनी विकिरणों का को अवशोषित करने वाली जो ओजोन परत है, है ना, ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाता है कि कौन से मंडल में स्थित है, तो अभी हमने कई बार वैसे बता रखा है कि सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल, तो यहाँ इसकी स्थिति होती है ओजोन परत जो है, तो इसमें जो यूवी रेज है उसको अवशोषित करती है ये, तो ये हमारा जो है ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो अभी कुछ लिस्ट आपको ऊपर बताई थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये तीन तो हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये बेसिकली डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, इसको कभी कभार जो है कई जगह आपको इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस के रूप में लिखा मिलेगा, तो इसको जो है ऑड हम चूज करेंगे। दो कथन फिर से है, कौन सा सही है देख लेते हैं। तो भारत में गणतांत्रिक न्याय के भाग के रूप में आर्थिक नियोजन का पहला प्रारंभिक विचार 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। तो देखिए इंडिया में प्लानिंग के बारे में, इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर हम बात करें, तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में ही, जब जैसे ये हरिपुरा सेशन 1938 का है जिसमें अध्यक्ष भी थे ये सुभाष चंद्र बोस जी, तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे जो है ये भौतिक विज्ञानी थे मेघनाथ साहब, है ना, उनके समक्ष ये एक तरीके का प्लान रखा कि इंडिया में जो है प्लानिंग किस तरीके से एक मजबूत शासन के लिए, है ना, मतलब लाभदायक सिद्ध होगी। तो आगे चल करके इसी में आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, तो उसमें राष्ट्रीय योजना आयोग जो है उसकी स्थापना कांग्रेस के द्वारा वहाँ पे उसके संबंध में राष्ट्रीय योजना समिति एक जो है उसको गठित किया गया। आगे चल करके वही जब इंडिपेंडेंस होती है तो योजना आयोग का रूप लेता है, तो उसी के संबंध में है कि पहला विचार यहाँ पे ये सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित था, तो ये कथन ठीक है। दूसरा है कि गांधीवादी योजना का विचार श्रीमन नारायण अग्रवाल ने रखा था, तो इकोनॉमिक प्लानिंग के रूप में ही जो है ये भी था, मतलब एक सामान्य सी एक योजना थी जो कि एक व्यक्ति थे इसमें महाराष्ट्र के कोई कॉलेज के प्रिंसिपल थे ये श्रीमन नारायण अग्रवाल, तो इन्होंने गांधीवादी योजना जो है प्रस्तुत की थी, नाम ये गांधी जी ने दिया नहीं था ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो इकोनॉमिक के ही संबंध में था इकोनॉमिक प्लानिंग में, तो ये भी चीज़ें कई बार पूछी जाती हैं, तो दोनों ठीक हैं। इसका वर्ष भी जो है 1944, चाहे तो ये याद रखें, दोनों ठीक हैं। उन्नीस में एक और प्लान आया इकोनॉमिक प्लान, बॉम्बे प्लान जिसको कहा जाता है, तो इसमें शामिल कौन कौन था, तो ये भी जो है इसमें मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था इस प्लान का, बॉम्बे प्लान या बम्बई योजना कहते थे इसको, 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आया जो है उसको दुगना करने का लक्ष्य था, तो इसको शुरू करने वाले जो उद्योगपति थे कुल लगभग 8 लोग थे, जिसमें यहाँ दिए हुए विकल्पों में देखें पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जॉन मथाई, जीडी बिरला, इसके अलावा जैसे लाला श्रीराम थे, और जेआरडी टाटा, अर्देशिल दलाल करके थे एक लोग, है ना, एडी श्रॉफ, तो ये सब लगभग ऐसे इतने 8 लोगों ने इसको जो है दिया, हालांकि जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बट इस प्लान के कुछ जो चीज़ें थी वो बाद में इन्होंने इंक्लूड किया अलग अलग जो प्लान्स थे, तो 1, 2, 4 करेक्ट होगा, ऐसी भी चीज़ें जो कि नाम दे करके पूछी जाती हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी है।
पहले बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो पैरा एथलीट्स जो होते हैं उनका बैडमिंटन का पहला इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो बहरीन में आयोजित किया गया मनामा बहरीन में मई 2022 में, तो इसमें भारत ने कुल जो है 23 पदक जीते थे, है ना, विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें से 7 जो है गोल्ड मेडल्स थे। अब पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 का हुआ जो है, तो इसमें किसने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में स्वर्ण पदक जीता? तो टोक्यो में पैरालंपिक विजेता जो थी अवनी लेखरा, है ना, तो इन्होंने इसमें जीता था आपका 10 मीटर में जो है गोल्ड मेडल। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता? तो इंडिया ने हरा कर जीता था कांस्य पदक जापान को, विकल्प हम सी को चुनेंगे, ठीक है। और इसमें जो है ये साउथ कोरिया जो है वो विनर था इसका, यानी गोल्ड मेडल, और मलेशिया रजत पदक। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस देश की महिला कुश्ती टीम ने एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये वाला आयोजन हुआ था आपका जो है ये किर्गिस्तान में, और भारतीय टीम इसमें जीती थी, ध्यान रखें, विकल्प सी। कौन सा कथन सही है? टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 का पुरस्कार राफेल नडाल ने जीता है। तो टेनिस का ये जो आयोजन होता है फ्रेंच ओपन, मई से जून के बीच में हुआ था फ्रांस में, तो इसमें पुरुष में जीते थे राफेल नडाल, ये बात ठीक है पहला। दूसरा कि राफेल नडाल ने 16वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है, तो ये गलत है, 14वीं बार इन्होंने जीता था, है ना। और इसमें बात करें जो है हारने वाले की, तो हाँ वो थे कैस्पर रूड, ठीक है, ये भी नाम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो सेंसस 2011 के हिसाब से विकलांग जनसंख्या की कुल 8 श्रेणियां बनाई गई थी, ये कहा जा रहा है, तो ये गलत है, 7 श्रेणियां थी जो अलग अलग अंगों से संबंधित या प्रकार के विकलांग होते हैं भारत में। और दूसरा है कि 2011 में सर्वाधिक विकलांग जो लोग थे वो दृष्टि विकलांगता से संबंधित थे, तो ये तो ठीक है। और सबसे कम जो विकलांगता थी वो सुनने की विकलांगता थी, और सबसे ज़्यादा विकलांग पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, और फिर वेस्ट बंगाल में। कौन सा कथन इसमें सही है? पहला है कि मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है, तो ज्योग्राफिकल टर्म जो आप इरोजन का पढ़ते हैं ये उसके संबंध में, अपर ये जो लेयर होती है उसकी सॉइल की, है ना, तो आवरण ये है, इसका विनाश क्या कहलाता है? अपरदन। और अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में चंबल एवं यमुना नदियों का जो उत्खात भूमि क्षेत्र है, है ना, तो ये आप जैसे मैप में इसको देखेंगे ना कि जो चंबल और यमुना नदी से संबंधित ये बुंदेलखंड और ये सब के जो रीजन है सबसे ज़्यादा अपरदन इन्हीं क्षेत्रों में होता है, तो उपर्युक्त तो दोनों जो है ना करेक्ट है। भारत में देखेंगे क्षारीय मृदा यानी कि अल्कलाइन सॉइल जो है इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में पाया जाता है? तो हमने एक बार पहले आपको बताया है अल्कलाइन सॉइल अगर कोई है उसको खेती योग्य भूमि बनाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, जरा याद करिए और कमेंट करके बताइए, ठीक। तो ये क्षेत्रफल पाया जाता है ऐसी मिट्टियों का उत्तर प्रदेश में। कौन सा कथन सही है? देखिए ब्यूटिया मोनोस्मर्मा स्पर्मा, ठीक है, ये नाम है, इसको जंगल की आग यानी फॉरेस्ट फायर के रूप में भी जो है संदर्भित किया जाता है, तो इसी को ही जो है डाक या पलाश के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प भी है, तो दोनों कथन हमारे ठीक हैं। बता ही दिया गया आपको ये अभी पे, बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो अभी बाली में लास्ट हुआ इंडोनेशिया में, और अध्यक्षता भारत को मिली है 2023 वर्ष के लिए, और इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में होगा। एक इंटरनेशनल डायलॉग होता है शंग्रीला, तो इसका 19th एडिशन जो है 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया है ये बताना है, तो लगभग 42 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, है ना, सिंगापुर में। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस, तो 8वां एडिशन है इसको, ध्यान रखेंगे, अफ्रीका के इजिप्ट में, विकल्प बी। साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में जो हुआ किस शहर में आयोजित किया गया?
तो यहाँ पे देखेंगे इसको किया गया था इसमें न्यू दिल्ली कैपिटल में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जितने भी एमएसएमई सेक्टर हैं है ना, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, तो उनके संवर्धन के संबंध में इसकी स्थापना जो है संसद के अधिनियम द्वारा 1990 में की गई थी, 2 अप्रैल 1990। दो कथन फिर से हैं, कौन सा सही नहीं है? तो सिडबी की स्थापना के संबंध में अभी आपको बताया कि उद्देश्य क्या है और इसका मुख्यालय चेन्नई में लिखा है, तो ये गलत है, ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। तो जो है पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अब देखिए फिर से दो कथन है, कौन सा सही है देख लेते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, हिमालयन रीजन में आप देखेंगे तो जो ये वेजिटेशन पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, वो ऊंचाई के साथ साथ भिन्न होते जाते हैं। तो हमने पिछले वीडियोज़ में बताया कि टुंड्रा टाइप ऑफ जो वेजिटेशन है कैसा होता है, पेड़ थोड़े लंबे लंबे होते हैं, तो ये जैसे जैसे आप हाइट में बढ़ेंगे ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और हिमालय के गिरिपद यानी कि जो फुटहिल्स हैं, नीचे के हिस्से हैं, यहाँ पे पर्णपाती वन यानी कि जो आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं ये पाए जाते हैं। तो इसमें भी जो है दोनों ठीक है। इसको डिटेल में चूँकि देखेंगे तो वहाँ से ज़्यादा आपको समझ में आएगा या क्या क्या वेजिटेशन कहाँ पर क्या पाया जाता है ये पता होना चाहिए। भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन जो होता है उसका कारक क्या है? तो सबसे ज़्यादा देखेंगे तो ये जो है विंड इरोजन जो है ये इफेक्ट करता है, विकल्प हम एक को चुनेंगे। सागवन, साल, शीशम, महुआ, आंवला आदि वृक्ष जो हैं किस प्रकार के वनों से संबंधित हैं? तो ये जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, विकल्प भी जो है, इसको आप मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे क्लासिफिकेशन इसकी होती है कि 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के आसपास जो है वर्षा होती है। ठीक, तो इसमें पाई जाने वाली ये प्रजातियाँ हैं। डिटेल में इस जो है सारे जितने भी वन यहाँ पे लिखे हैं ये आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखिए कौन से वृक्ष मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं? तो एरिड फॉरेस्ट जब आप पढ़ेंगे तो जैसे जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से भी कम की वर्षा होती है ऐसे एरियाज में डेजर्ट फॉरेस्ट डेवलप होते हैं, जैसे राजस्थान वगैरह का एरिया आप देखिए है ना, और दक्षिण पश्चिम जो पंजाब का रीजन है, हरियाणा का रीजन है कुछ। ठीक, तो इसमें बबूल, खेजरी, नागफनी है ना, खेजरी के बारे में हमने आपको बताया था, याद है चिपको मूवमेंट सबसे इनिशियली कब स्टार्ट हुआ था, अमृता देवी विश्नोई वाला। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को भी थोड़ा कनेक्ट करके याद किए रहा करिए, काफ़ी जो है हेल्पफुल हो जाता है। तो ये तीनों जो है, कहीं कहीं पर आपको ये खजूर के पौधे भी मिलते हैं इन वनों में। ठीक, तो ध्यान रखें इसको, विकल्प सी। इसमें देखिए कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि तरंगे जो होती हैं है ना, उसके संबंध में हमारे पास फैक्ट्स लिखे हैं। इसमें गलत को अगर हम चुनें तो ध्वनि की चाल वायु में 260 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो सी विकल्प में लिखा है ना, तो ये गलत हो जाएगा, लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड जो है ये आंकड़ा होता है। बाकी के विकल्प जो हैं ठीक है, इन्हें देख लीजिए। अब ध्वनि के बारे में आप देखेंगे कौन सा कथन सही है? तो ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये स्पष्ट हो जाएगी अगले कथन में कि जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ेगा उसमें ध्वनि की चाल घटती जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो हमारा स्पीड ऑफ साउंड होता है वो भी इंक्रीज होता है। तो पहला जो है सही है, दूसरा गलत है। अब देखिए कौन सा कथन गलत है देख लेते हैं। ध्वनि की पुनरावृत्ति के कारण ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि कहलाता है, यानी ये बात हो रही है आपकी जो है एको की है ना। जैसे आपने कभी किसी खाली कमरे में देखा हो कि आवाज़ गूंजती है ना, तो क्या है वो प्रतिध्वनि है, तो उसी की परिभाषा लिखी हुई है ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि जो हमारे मस्तिष्क में कोई भी ध्वनि आती है तो उसकी संवेदना लगभग 10 सेकंड तक बनी रहती है, तो ये गलत बात है। ये सामान्य रूप से भी अगर आप समझें तो 10 सेकंड तो वैसे नहीं होगा, 0.1 सेकंड इसको आप रेफर कर सकते हैं सिर्फ। तो दूसरा गलत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार किसी नगर के लिए कितने डेसिबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय मानवीय होना चाहिए? यहाँ पे माननीय हो गया है, ठीक है, मानवीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित बताया गया है। तो शहरों में देखेंगे इन्होंने रेफर किया है कि लगभग 45 डेसिबल, चूंकि हम डेसिबल में मापते हैं ना इसको, तो 45 जो है ये आपका सुरक्षित है आपके कानों के लिए, ऑडिबल साउंड जो है।
जो हमारा रीजनल एक ग्रुप है ब्रिक्स है ना, ब्रिटेन नहीं सॉरी माफ कीजिएगा ब्रिटेन नहीं ब्राजील, ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक। तो इनका अभी जो 2022 में सम्मेलन हुआ 14वां था, तो चाइना की अध्यक्षता में हुआ और वही शी जिनपिंग जो है उनके प्रेसिडेंट, इनकी अध्यक्षता इन्होंने की जून 2022 में हुआ था। 48वां G7 शिखर सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित किया गया, तो 2022 में 48वां जो ग्लोबल सबसे बड़ी 7 इकोनॉमीज उनका एक समूह है G7, इनका सम्मेलन हुआ था जो है जर्मनी में, और इसमें भारत ने भी जो है एक गेस्ट कंट्री के रूप में पार्टिसिपेट किया था क्योंकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और नेक्स्ट ईयर जो 2023 में इनका सम्मेलन होने वाला है वो जापान में होगा, ठीक है, हिरोशिमा में। इसको भी ध्यान रखिए, बी विकल्प को चुनेंगे और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस देख लें, जो संबंधित चीज़ें हमने देखी हैं उसके बारे में अपने नोट्स में डिटेल में पढ़िए। कंटिन्यू करते हुए आगे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।